अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग न्यू होंगे मेरी वीडियो पर, तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सब्सक्राइबर्स जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, कुछ रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, और कभी कभार मैं मुख्तलिफ क्रीम जो हैं जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ उनका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि उनके रिज़ल्ट कैसे रहे। और जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंट जो हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो जिसको भी अच्छा लगे तो वो इसे यूज़ कर सकता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो एक क्रीम का रिव्यू है। तो क्रीम का नाम है जी सैनीडर्म फेशियल वाइटनिंग क्रीम। सबसे पहले तो मैं इस क्रीम के जो जो बेनिफिट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, और SPF के साथ साथ सबसे पहले तो ये एज स्पॉट करेक्टर है। हमारे फेस के ऊपर जितने भी स्पॉट्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, और स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट है। लाइक हमारी जितने भी फेस पे रिंकल्स और ये झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसके लिए बेस्ट है, और डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, और सेफ़ और नेचुरल फॉर्मूले से ये बना हुआ है, फॉर हमारी स्किन की कम्प्लेक्शन को जो है वो लाइट करता है। ये मल्टीपर्पज़ क्रीम है। लाइक इसमें आप ख़ुद भी काउंट भी कर सकते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 5 जो हैं ये प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ये क्रीम हमारी स्किन को जो है वो लाइटन करती है और क्लीन करने में बहुत हेल्प आउट करती है। चले जी, अब इसकी ज़रा पैकिंग देख लेते हैं कि ये क्रीम अंदर से किस तरह की है, और इसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी ऊपर मेंशन है। ये जी कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग है, बहुत ही अच्छी पैकिंग है। चलें अब देख लेते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, और ये हमने कैसे अप्लाई करनी है, और ये वर्क कैसे करती है। तो जी ये कुछ इस तरीके की क्रीम है। लाइक इसका भी यूज़ आम क्रीमों की तरह ही है। हम अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद जब तक हमारा फेस ड्राई ना हो तब तक हमने जो है वो इसको अप्लाई नहीं करना। फेस ड्राई हो उसके बाद हमने इसको अप्लाई करना है, और ये कुछ ऐसा ही इसका टेक्सचर है। इसको अच्छे तरीके से अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद अब्सॉर्ब कर लेना है, ठीक है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल ली थी, तो आप अपने जो फेस के अकॉर्डिंग ही निकालिएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपने अब्सॉर्ब करना है स्किन के अंदर। ये जी स्किन के अंदर मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है इसको, और इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है, और सुबह किसी अच्छे फेस वॉश से हम फेस वॉश कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी है अफोर्डेबल है, काफ़ी प्राइस इसकी है 400, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएगी। और इस क्रीम को बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हम इसे 1 मंथ रेगुलर यूज़ करेंगे, देन हमें रिज़ल्ट मिलने पर नेक्स्ट मंथ में हम इसको 1 डे का गैप देंगे, फिर इसे यूज़ करेंगे। और अगर आप इसको नेक्स्ट ऑनवर्ड चलाना चाहते हैं इस क्रीम को,
तो आप इस क्रीम को जब थर्ड मंथ पे आएँ 2 दिन का गैप दें। इसी तरीके से आपने वीक में जो है वो 3 टाइम इसको यूज़ करना है बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, होप सो आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ, नई एक्सपीरियंसेस के साथ और कुछ नई रेमेडीज़ के साथ आपके साथ फिर से हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।